स्टार्ट कर करके स्टार्ट कर। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास पवार सर। आज हम तुम्हें बताएंगे कि एग्रीकल्चर में सबसे अधिक आने वाला क्वेश्चन है कि पूसा बेदाना किसकी किस्म है जो बीज रहित है। तो पूसा बेदाना एक तरबूज की किस्म है जिसमें बीज नहीं पाया जाता। आपने देखा होगा तरबूज में असंख्य बीज पाए जाते हैं, असंख्य मतलब बहुत से बीज पाए जाते हैं। तो इस किस्म का निर्माण कैसे हुआ ये आज हम तुम्हें बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो फीमेल है वो लिया गया है। फीमेल में क्या लिया गया है, एक वैरायटी है तरबूज की जिसका नाम है टेट्रा दो, जो 4x अर्थात 4 जीनोम से मिलकर बनी है। 4 जीनोम मतलब 1, 2, 3, 4, 4 जीनोम से तैयार हुई। और इसके अपोजिट जो मेल लिया गया है वह क्या है, पूसा रसाल। पूसा रसाल जो 2x है अर्थात 1 जीनोम के 2 कॉपी अर्थात द्विगुणित किस्म है। तो पूसा बेदाना बनी कैसे है इसे देखते हैं। जब गैमिट बनते हैं, गैमिट में क्या होता है, 2n 4n का क्या हो गया 2n आधी संख्या आ जाती है, और इधर से 2n की आधी संख्या आ जाती है, 2n मतलब n संख्या। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस होता है तो 3n संख्या हो जाती है, 2n और n 3n संख्या। 3n मतलब 1 जीनोम की 3 कॉपी, जिसके कारण यह किस्म बीज रहित है। आपने पढ़ा होगा केला के बारे में भी, बनाना एक त्रिगुणित किस्म है जिसमें 1 जीनोम की 3 कॉपी होती है अर्थात वह सीडलेस बीज रहित होता है। तो ऐसे ही पूसा बेदाना किस्म का निर्माण हुआ जिसमें फीमेल टेट्रा दो है जो 4x है 1 जीनोम की 4 कॉपी रखता है, और मेल है जिसका नाम है पूसा रसाल जो 2n द्विगुणित है अर्थात 1 जीनोम की 2 कॉपी रखता है। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने से पहले क्या होता है, गैमिट या युग्मक बनते हैं। गैमिट में क्या होता है, 4x की आधी संख्या आ जाती है जिसे 2n से प्रदर्शित करते हैं, और इधर 2x की आधी संख्या n आ जाती है। जब इन दोनों का क्रॉस होता है 2n और n 3n संख्या हो जाती है जिसे पूसा बेदाना का निर्माण हुआ जो एक बीज रहित किस्म।